वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। पाकिस्तान का मुर्र इलाका वैसे तो ये बड़ी ही खूबसूरत वादी है, लेकिन इन दिनों काफी चर्चा में भी है। चर्चा इसलिए क्योंकि यहाँ 10 मासूमों के साथ साथ 23 लोगों की मौत हो गई। बर्फ में तड़प तड़प कर लोग मारे गए खाने और ऑक्सीजन की कमी से। बता दें कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि जाम लग गया और लोग कार में ही फंस गए। इस हादसे की चर्चा जहां पूरे विश्व में हो रही है, वहीं पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने बड़ा ही आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को बर्फ से खेलना ही है तो घर में बर्फ का स्प्रे ले लें और एक दूसरे पर मार लें। कमाल की बात है, और कमाल का है उनका ये बयान जब पाकिस्तान के लोग मर रहे थे उस समय उन्होंने ये बयान दिया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या उन्हें अपने ही बाशिंदों से प्यार नहीं, और ये सवाल अभी गहरा ही रहे थे कि अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मर्री त्रासदी का विवरण बेहद ही दुखद और दर्दनाक था। भारी बर्फबारी के कारण लोग घंटों वाहनों में फंसे रहे, वो सरकार और प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों के आपातकालीन नंबरों पर कॉल कर रहे थे, लेकिन सरकार प्रशासन और सेना बचाव के लिए नहीं आई, जिसके परिणाम स्वरूप कई निर्दोष लोग मारे गए, बर्फ में उनकी कब्र खुद गई। देश में एक बड़ी मानवीय त्रासदी हुई है। MQM नेता ने कहा कि यह एक और त्रासदी है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि 20 घंटे से अधिक समय से हर कोई मदद के लिए पुकार रहा था, सेना के जनरलों, वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मियों, उनके हेलीकॉप्टरों, भारी वाहनों और मशीनरी ने फंसे नागरिकों की मदद क्यों नहीं की। उन्होंने आगे कहा कि सेना की छावनी पैदल दूरी पर स्थित होने के बावजूद कल सेना क्यों नहीं गई। हुसैन ने कहा कि जब भी पूरी दुनिया में कोई प्राकृतिक आपदा या त्रासदी होती है तो वहां की सेना अपने नागरिकों की मदद के लिए तुरंत आती है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। मुर्री में बर्फ में फंसे नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए सेना कल क्यों नहीं चली। सेना देश के बजट का 90% रक्षा के नाम पर क्या करती है। नागरिकों को बचाने की उनकी जिम्मेदारी थी, राष्ट्र कहां था और प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सरकार और प्रशासन कहां थे। MQM के संस्थापक ने यह भी कहा कि इस आपराधिक लापरवाही के परिणाम स्वरूप मुर्री त्रासदी में सामूहिक हत्याओं की जिम्मेदारी सेना के जनरलों और वरिष्ठ अधिकारियों की है, जिन्होंने सभी संसाधनों और अधिकार के बावजूद नागरिकों को नहीं बचाया। कमाल की बात तो यह है कि जहां एक तरफ सेना पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं सूचना मंत्री फवाद चौधरी का ये कहना है कि अगर बर्फ के मजे लेने हैं तो घर में ही रहो और बर्फ का स्प्रे कर लो। ये बयान बताता है कि सरकार अपने बाशिंदों के बारे में कितना सोचती है, अपने लोगों के बारे में कितना सोचती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार, ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।